उत्तराखंड की तर्ज पे हिमाचल में भी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन माइनिंग क्षेत्र में कदम रखेगा। प्रदेश भर में 300 के लगभग नाले हैं, जिनमें से 110 नालों में माइनिंग विभाग खनन को अंजाम दे रहा है, जबकि शेष 190 नालों में फॉरेस्ट कॉरपोरेशन खनन कार्य करेगा। ये बात प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष सूरज नेगी ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए कही। नेगी ने कहा कि उत्तराखंड के पैटर्न को प्रदेश वन निगम भी अपनाएगा। उन्होंने कहा कि निगम को सरकार से अनुमति और फॉरेस्ट क्लीयरेंस लेने में भी परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि निगम ने मार्च 2019 तक के लिए 250 करोड़ की टर्नओवर का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नालों में माइनिंग करने के मुद्दे को वन निगम सीएम के समक्ष उठाएगा तथा इस दिशा में कार्य करेगा, जिससे कि निगम की आय में भी वृद्धि होगी। सूरज नेगी ने कहा कि इको टूरिज्म के तहत धर्मशाला में नई डेस्टिनेशन चिन्हित की जाएगी, इसको लेकर वन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ एक साइट्स चिन्हित की गई हैं, उसको लेकर अधिकारियों से जानकारी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि इको टूरिज्म के लिए चिन्हित की जाने वाली साइट्स पॉपुलर हों, बल्कि उनका आकर्षक होना जरूरी है, जिससे कि उन्हें विकसित करके पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। किस तरह से योजना रहेगी? हमारे पड़ोस के प्रदेश में उत्तराखंड में जो है माइनिंग का काम फॉरेस्ट कॉरपोरेशन कर रही है, और हिमाचल प्रदेश में भी जब से हमारी सरकार आई है, हम लोगों ने इसमें एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि हम भी इसमें काम करना चाहते हैं। उसके दो उद्देश्य हैं। पहला तो ये है कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन है फॉरेस्ट एक्ट 1927, उसके तहत जो है माइनर माइनिंग जो है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है, वो एक आधार है। और दूसरा ये है कि हिमाचल प्रदेश को जो एक रॉयल्टी माइनिंग के द्वारा होना चाहिए, वो अभी वो उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है। जैसे 300 नाले हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और उनमें से सिर्फ अभी जो है 110 नालों में काम हो रहा है। 190 नाले जो है वैसे ही पड़े हैं जहां से रेवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट हो सकता है। और उसके साथ साथ एक और बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है कि जो फॉरेस्ट लैंड वाले एरिया में माइनिंग होनी है, वहां पर एफसीए क्लियरेंस लेने की जरूरत होती है, और वहां प्राइवेट पार्टीज को एफसीए क्लियरेंस लेना बहुत मुश्किल होता है। हम क्योंकि गवर्नमेंट के कॉरपोरेशन है, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें जो है उन फॉर्मेलिटीज को दूर करने में बहुत सुविधा होगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो वेस्ट हो रहा है पूरा का पूरा, जो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, इसको इसका सदुपयोग किया जाए, गवर्नमेंट को रॉयल्टी वहां से आए, और उसके साथ साथ हमारे कॉरपोरेशन का भी भला हो जाए। इस दृष्टि से हमने योजना बनाई है। निश्चित रूप से हम इसको एक ब्लूप्रिंट तैयार करके, इस बार जो बीओडी हमारा हुआ उसमें हमने डिस्कस किया है, और माननीय मंत्री जी आदरणीय गोविंद ठाकुर जी ने भी कहा है कि इसको तैयार करो, और इसको तैयार करके हम गवर्नमेंट के पास ले जाएंगे, और माननीय परशरदेव ठाकुर जयराम जी से, माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इसको अमली जमा पहनाएंगे। सर, चूंकि आप जब से परमशरदेव ठाकुर जयराम जी ने ये वाइस चेयरमैन के नाते जिम्मेवारी दी है, इसमें प्रयास मैं कर रहा हूं कि कॉरपोरेशन को ठीक से समझा जाए, और इसी दृष्टि ध्यान में रखते, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये तय किया कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो हमारे डिवीजन लेवल है वहाँ जाएंगे, और वहाँ गार्ड से ऊपर के जितने हमारे स्टाफ हैं उनके साथ बैठेंगे, वहाँ की समस्याएं क्या है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इस दृष्टि से आज मीटिंग रखा था, और बहुत ही अच्छी बैठक हमारी उसमें हुई है। सारे इश्यूज़ को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन कुल मिलाकर हमने इनको एक टारगेट दिया है कि साल के अंदर आपको जो है आज तक जितना आपका टर्नओवर रहा है उसको बढ़ाना है, और चाहे वो टिम्बर का है चाहे वो रेजिन का है, और ये क्षेत्र जो है टूरिज्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए मैंने कहा है कि कोई इको टूरिज्म का साइट या आइडेंटिफाई करे, और उसमें भी हम लोग उसमें काम करेंगे। और सीजनिंग का है, रिटेल सेल डिपूज हमारे हैं, उसकी स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है,
उसको भी हमने कहा है कि कैसे इसको दूर किया जा सकता है, इसमें हमने पूरी डिटेल प्लानिंग किया है और जो हमारे प्रोसीडिंग्स आएंगे उसके माध्यम से जो कॉरपोरेशन के बेटरमेंट के लिए होगा उसको फिर हम बीओडी में लेके जाएंगे। तो माइन्यूट प्लानिंग करने की दृष्टि से ये जो है रिव्यू मीटिंग रखा गया था और पूरे हिमाचल प्रदेश में मैं इसको करूंगा, इसकी शुरुआत जो है आज यहां से की है। सर माइनिंग कॉरपोरेशन